गरीब परिवारों को सुधाकर सुनाने की मदद, बच्चों ने जताया आभार। हजारों दीपक चाहिए एक थाली सजाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, पर सुधाकर मामा अकेले ही काफी है 19 और 20 वार्ड को स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। मुंबई के पूर्व मेयर सुधाकर सोनौने ने पूरे लॉकडाउन में अपने इलाके के सभी परिवारों की भरसक मदद की। उन्होंने शुरुआत में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने देखा कि तैयार भोजन लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन्होंने झोपड़पट्टी में रहने वाले सभी परिवारों को सूखा राशन उपलब्ध करा दिया, ताकि लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक खाना पका कर खा सकें। उन्होंने मनपा से गरीब परिवार के स्कूली बच्चों को कोरोना महामारी के बावजूद स्कॉलरशिप दिला दी। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद चल रहे थे, ऐसे में बच्चों की शिक्षा बंद न हो, इसे ध्यान में रखते हुए सुधाकर सोनौने ने बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा दी। उनकी इसी मदद से उत्साहित बच्चों ने भरे कंठ से प्रशंसा की। आइए आप भी देखिए बच्चों ने किस तरह उनका शुक्रिया अदा किया। शासनाने लोक कल्याणकारी योजना जारी करते, परंतु ते योजना सामान्यपर्यंत पोहोचवणारे मामांसारखे दुवे हे महत्त्वाचे आहेत। मामांनी आम्हाला सुखराशनाची सोय करून चांगली मदत केली, थोडीफार म्हणजे आमची पूर्ण तर गरज भागणार नाही, पण थोडीफार मदत आम्हाला होईल त्याच्याने। स्थानिक प्रशासन राज्य शासनापर्यंत वेळोवेळी यशस्वी पाठपुरावा करणारे आमचे लाडके सुधाकर मामा हे सामान्य जनतेचे ते प्रश्न सोडवण्यासाठी नेहमीच अग्रेसर असतात। शासन अनेक लोककल्याणकारी योजना जाहीर करते, परंतु त्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुधाकर मामांसारखे दुवे हे महत्त्वाचे आणि वंदनीय आहेत। सन्माननीय श्री सुधाकर मामा यांनी सलग 3 ते 4 महिने आम्हा विद्यार्थ्यांना सुखे राशन मिळावे म्हणून सतत पाठपुरावा करत होते। कोणतेही काम तळमळीने केले तरच यश मिळतेच, त्याचेच जिवंत उदाहरण म्हणजे आम्हा हजारो विद्यार्थ्यांना मिळणारा हा एक शालेय पोषण आहार। ग्रामीण भागात ही योजना 15 एप्रिललाच लागू झाली होती, तर ती शहरी भागात पोहोचली नव्हती, पण या गोष्टीचा मामांनी पाठपुरावा केला आणि शहरी भागात ही योजना ही राबवली। ते म्हणतात ना की बुडत्याला काडीचा आधार, तसंच म्हणजे पूर्ण आमची परिस्थिती तर आता कोरोनाच्या काळात बिघडलीच आहे, पालकांचे आमचे खूप हाल होत आहेत, तर थोडीशी मदत म्हणून म्हणजे जसं की 10% जर आम्हाला घरात राशन मिळत आहे, तर त्यातला 5% भाग मामांकडून आम्हाला मिळत आहे, म्हणून आम्हाला या राशनाचा लाभ आता मिळतोय, म्हणून आम्ही खूप आता आनंदित आहोत। स्पेशल डेस्क टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।